हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ हमारे अपने चैनल पर संघर्ष द स्ट्रगल। तो ये है हमारे चैनल का लोगो और ये है हमारा चैनल, जिसे आप जिस नाम से आप इसको अभी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इसका कोई डोमेन वगैरह हमने नहीं लिया है, जल्दी ही कोशिश करते हैं, आएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बात किया था वेदर पर, वेदर पर। तो क्लाइमेटोलॉजी में वेदर के बाद हम क्लाइमेट पढ़ने वाले थे, लेकिन वेदर पढ़ते समय एक एक वर्ड जो बहुत बार यूज़ हुआ वो था एटमोसफेयर। तो चलिए आज हम लोग एटमोसफेयर को डिस्कस करते हैं। तो एटमोसफेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसका कंपोजिशन और जो इसकी जो बनावट और जो संरचना है, इसको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है वो फिलहाल जितनी जानकारी है हमारी हमारी जानकारी के अनुसार जितने ग्रह हैं उनमें यूनिक है। और इसका कारण क्या है, यहाँ पर जो जीवन की स्थिति, जीवन का जो प्रेजेंस है, लाइफ की जो जो उपस्थिति है, जीवन की उपस्थिति ही इसको यूनिक बनाता है। और इसको और इस ग्रह पर जो जीवन को जो संभव बनाता है, बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के यहाँ होने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पृथ्वी का, जो हमारा जो है हमारा जो अर्थ है उसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे कि हम लोग जब भी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर यानी एक मिक्सचर है कुछ अलग अलग तरह की गैसों का, जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए है, यानी पृथ्वी को ब्लैंकेट किए हुए, एक तरह से इन्वेलप किए हुए, जो चारों तरफ से। और यही एक इसी को ही एटमॉस्फेयर कहता है। एयर, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप इसका डेफिनेशन, ये द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। एटमोसफेयर इज सराउंडिंग द अर्थ, एटमोसफेयर इज द एयर सराउंडिंग द अर्थ। तो एटमोसफेयर जो है ये भी है, अलग तरह के मिश्रण है अलग अलग तरह के गैसों का, इसमें जिसमें सबसे अधिक मात्रा है जो इसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन, और रेस्ट अलग अदर अदर गैसेस है। फिर चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो जनरली इसका जो ये जो एटमोसफेयर इसका जो विस्तार है उसका धरातल से लेकर ये 1600 किलोमीटर तक इसका पाया जाता है। जो एग्जोस्फेयर है उसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन जो 99% ऑफ मास है इसका, जो द्रव्यमान है, तो हमारे पूरे वायुमंडल का जो पूरा मतलब 99% जो द्रव्यमान है वो 32 किलोमीटर के आसपास ही पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। तो जहाँ तक कंपोजिशन की बात है एटमोसफेयर का, तो एटमोसफेयर जो है अलग अलग तरह के गैसों से बना हुआ है। उसके अलावा उसमें वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेस के अलावा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। तो चलिए अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर इज नॉट स्टैटिक। जो एटमोसफेयर का जो कंपोजिशन है वो एक स्थैतिक नहीं होता है, वो समय के साथ और समय और जगह के हिसाब से वो बदलता रहता है। एटमोसफेयर इज मिक्स, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मिक्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा जो 99% है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, रेस्ट 1% ही है जो कि अदर गैसेज हैं। अदर गैसेज लाइक जैसे ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये वगैरह वगैरह, ये सारे एटमोसफेयर में पाए जाते हैं। द पोजिशन ऑफ गैसेज चेंजेस इन द हायर लेयर्स। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं गैसों का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो 120 किलोमीटर तक ही देखी गई है। 120 किलोमीटर ऊंचाई के बाद हाइड्रोजन, ये सॉरी ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कम, ये 90 किलोमीटर तक, अब धरती का जो पृथ्वी तल से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये रहा हमारा जो गैसे, अलग अलग तरह का जो गैसें हैं उनका जो कंपोजिशन, उसकी जो मात्रा है, उसका उसका जो परसेंटेज है, ये है गैस, ये है उसका परसेंटेज, और ये रहा इसका दिया हुआ परसेंटेज सारा। और ये रहा हमारा इसका पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में 1 मिलियन पार्ट्स में इनकी उपस्थिति कितनी है, ये रहा ये पूरा डाटा। ये किसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग गैसों में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है उसमें है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिना हमारे जो
क्योंकि यही दोनों है, यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है जो हवा को बनाती है। यानी हवा, यदि मोटा मोटी कहा जाए कि हवा किसे कहते हैं, तो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन जो है उसी को हवा कहते हैं। और जो हवा है उसमें, उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग गैस है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मौसम के लिए, ये जो है एक तरह का जो पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से समझते हैं, ये हमारा एटमोसफेयर है, तो इसमें जो हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जैसे सूरज की रोशनी ऊपर से आती है तो इसे इधर से, तो ये आने जो हीट है सूरज की रोशनी के माध्यम से जो हीट आता है पृथ्वी तक, इसे तो ये आने देता है इधर से, लेकिन जब ये यहाँ से या रिफ्लेक्ट होकर जाने लगता है तो इसे ये जाने नहीं देता, इसे इसे कैप्चर कर लेता है, इसे पकड़ लेता है। और इसी कारण से ये हमारा जो एटमोसफेयर है वो गर्म रहता है। इसको पृथ्वी को जो गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड का मूलतः, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मूल रूप से एक ठंडी गैस है, और इसके कारण एटमोसफेयर गर्म रहता है। और इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब जैसे कि अक्सर हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाता है। और एक यही, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो पृथ्वी पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है अब, और ये इसका एक और काम है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ऊपर से जो अंतरिक्ष से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो अलग अलग तरह की जो कुछ से रेडिएशन है, हानिकारक रेडिएशन, उसको भी वो रिफ्लेक्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट द एटमोसफेयर, जब देखिए जब एक चीज हमारे सामने आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अक्सर ये सुना रहता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हर गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसके बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है सबसे ज़्यादा जो हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं। इवन कि जब यूरोपियन कंट्री में जो सबसे ज़्यादा, तो यूरोपियन कंट्री और चाइना वगैरह से रिस्पॉन्सिबल है, यूरोप है, USA, चाइना, जब औद्योगिक क्रांति के बाद ये इन इलाकों में भारी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ, और यहाँ पर उस समय जो पुराने जब थे, जो कि मतलब अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है, उसमें काफ़ी तेजी से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बहुत ही भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जलाया गया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ और ये एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सामने आज हमें देखने को मिलती। पिछले 150 से 200 सालों में ये समस्या हमारे सामने आई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओजोन गैस। ओजोन जो है, जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन है, जो कि एक स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ये 10 से ये जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। ये ओजोन गैस जो ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, या यूं कहें कि ऑक्सीजन जो है अल्ट्रा वायलेट रे के संपर्क में आकर O3, आप जैसे देख सकते हैं इसको, O2 जो है ये अल्ट्रा वायलेट के संपर्क में आकर यूवी लाइट के संपर्क में आकर ये O3 बना लेती है और ये ओजोन बन जाता है। ये एक ओजोन साइकिल है, जब इसमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ये ओजो ऑक्सीजन ही O3 बनता है और फिर एक ओजोन का एक पूरा एक लेयर तैयार हो जाता है फिर, और यही जो है ये ओजोन लेयर है जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उससे हमारे हमें बचाता है, जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अल्ट्रा वायलेट रेज यदि पृथ्वी पर पहुंचने लगे तो बहुत सारे जीवों को एक्सटिंक्ट कर सकती है, ये बिल्कुल खत्म कर सकती है। ये ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी ऊपरी स्थिति है, ऊपर का जो, चलिए इसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें देख सकते हैं ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाटर वेपर्स के बारे में। वाटर वेपर, अब नेक्स्ट जो है हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर वेपर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वही एकमात्र सोर्स है जो प्रिसिपिटेशन का, अलग अलग प्रिसिपिटेशन जो अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो स्नोफॉल हो या मिस्ट हो, फॉग हो, या फिर रेनफॉल के रूप में, ये हमारा जो जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा वाटर वेपर है उसी का। और ये जो इस वाटर वेपर का जो सोर्स है ये अलग अलग तरह का जो इवोपरेशन है, सनलाइट का जो
सनलाइट या फिर अदर हीट से, हीट की वजह से जो समुद्र में, नदियों में या फिर तालाबों में या फिर जो जमीन पर जो नमी है वो इलाका जो उससे जो गर्म होकर जो पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता, वही एक पानी है, उसके गर्म होने से ही वाटर वेपर बनता है और यही एकमात्र इसका सोर्स है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो घटता जाएगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स, जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे तो भी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे वायुमंडल में सीधे ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे तो भी ये घटेगा, और जब हम इसे इक्वेटर से हम जब साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे तो भी ये घटेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटमोसफेयर कुड बी 4% विच इज फाउंड इन द वार्म एंड वेट रीजन, हमेशा चार। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाटर वेपर रीचेस इन द एटमोसफेयर थ्रू द इवापोरेशन, जिसके बात कर चुके हम लोग, इवापोरेशन से ही आता है। वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बहुत तरह के सोलर रेडिएशन को भी ये ऑब्जर्व कर लेता है और धरती को गर्म रखने में भी मदद करता है। और ये एक, अब जैसे इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जो बादलों वाली जो रात होती है वो अपेक्षाकृत गर्म होती है। इसका कारण है कि सूर्य उधर से आने वाली किरणों को तो पकड़ ही लेती है और नीचे से आने वाली किरण रेडिएशन जो है वो वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते, रिवर्स रेडिएशन जो होता है यहाँ से वो बाहर नहीं जाने देती है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द एयर, जो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, जो हवाओं का जो स्टेबिलिटी है या फिर इनस्टेबिलिटी वो करने में काफ़ी योगदान होता है। जब कुछ एरिड हवाएं हैं या फिर जो नमी वाली हवाएं हैं उसके कारण जो वायु की गति में भी अंतर आता है, जिसके कारण ये हमारा जो एटमोसफेयर का जो ये क्षोभ मंडल है, यानी कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर है, इसमें वायु जो एयर है वो स्टैटिक नहीं रह पाता। अब देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ये जो डस्ट पार्टिकल बहुत सारा है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। ये जो है डस्ट डस्ट पार्टिकल आर जनरली फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का जो लोअर लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर में भी जो लोअर लेयर है वहाँ पर ये पाया जाता है। दिस पार्टिकल इज फाउंड द फॉर्म ऑफ सैंड, ये बहुत अलग अलग तरह का अलग अलग तरह में पाया जाता है, जैसे कि सैंड हुआ बालू के रूप में, स्मोक सूट, ऑर्सेनिक साल्ट, राख यानी कि एस पोलन वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें, और एरोसोल्स के रूप में भी, ये एरोसोल्स सॉरी वो तो अलग चीज़ है, चलिए उसके बारे में भी फिर बात करेंगे। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, जो जो सबसे ज़्यादा जो ये पाया जाता है वो है सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, क्योंकि ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है काफ़ी गर्म होता है और दूसरे यहाँ ये एरिड भी होता है। जैसे आप देखें सब ट्रॉपिकल रीजन जो है मैक्सिमम जो डेजर्ट है सब ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं, 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, 20 से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है उसके बीच में, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं ये, और यही क्षेत्र है जो कि डस्ट के लिए सबसे ज़्यादा, डस्ट पार्टिकल्स इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दिस डस्ट पार्टिकल्स हेल्प द कंडेंसेशन, ये एक और चीज़ है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, दिस डस्ट पार्टिकल्स हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर। अब ये अक्सर होता यह है कि जो डस्ट पार्टिकल्स अक्सर होता है कि हवा में नमी तो होती है लेकिन उसके लिए कंडीशन नहीं बन पाता है कि वो बरसे, उसके बाद एक बारिश के बूंदों में बदले। ये जो डस्ट पार्टिकल है एक सरफेस के रूप में काम करता है, जब उससे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट उसके साथ जब टकराता है और वो एक भारी होता है और वो नीचे गिरने की कोशिश करता है और अपने साथ आसपास का जो ड्रॉपलेट्स है उसको भी जोड़ लेता है और बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि कई बार गाँव में बारिश नहीं हो रही होती लेकिन जो शहरी क्षेत्र में वहाँ पर ये बारिश होती रहती है। इसके पीछे एक और भी कारण है जो कि एक तरह का वो हीट आइलैंड बनाता है और एक कन्वेक्शनल करंट का वहाँ पर शुरू हो जाता है जिसके कारण ये बारिश होती है। चलिए हीट आइलैंड और कन्वेक्शनल करंट इन सब के बारे में भी हम क्लाइमेटोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि डस्ट पार्टिकल जो है ये बारिश में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर को जो है हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर जो सबसे निचला है, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जिसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, और एक्सोस्फेयर। तो चलिए इसका पहले एक व्यू देख लेते हैं, इस तरह का है ये ट्रोपोस्फेयर हुआ, ये हमारा ये स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट है एक्सोस्फेयर। तो जैसे ऊंचाई देख सकते हैं, ये 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फेयर की, और ये 18 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर और 80 से 400 किलोमीटर ये थर्मोस्फेयर,
और एक्सोस्फेयर 400 किलोमीटर से फिर 1600 किलोमीटर का ये होता है इसका दायरा। तो अब चलिए अब देखते हैं, पहले आज हम लोग देखते हैं इसको ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर जो है कि लोअर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर का, इसका जो क्षेत्र है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। ये अब ये जो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में है, इसका जो थिकनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ की हवाएं ज़्यादा गर्म होती है, जिसके कारण ज़्यादा फैलाव होता है इसका, और ये काफ़ी ऊपर तक हवाएं फैल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर एक क्या बोले एक यहाँ पर ये वायुमंडल थोड़ा ज़्यादा विस्तृत पाया जाता है इन क्षेत्रों में, या ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही विस्तृत पाया जाता है। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज द हीट, इसके बाद चलिए बात कर चुके हैं हम। ट्रोपोस्फेयर कंटेंस डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, ट्रोपोस्फेयर ही जहाँ पर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर दोनों पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये मौसमी दशाओं में जितने भी परिवर्तन होता है, मौसमी जो भी मौसम से रिलेटेड जलवायु से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सारा ये ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में ही होती है, यानी क्षोभ सीमा के नीचे ही होती है। द एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक इन दिस लेयर, यहाँ पर जो होता है जो हवाएं जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, ये हमेशा यहाँ पर एक धाराएं चलती रहती है अलग अलग तरह की। तो देख सकते तो चेंजिंग ये इसलिए इसको चेंजिंग स्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इसको। द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ एटमोसफेयर, होता यह कि यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ये तापमान में गिरावट देखी जाती है, और ये गिरावट जो है हर 165 मीटर पर, ये तापमान जो है हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का देखा गया है। और यहाँ पर ये 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट होता है 165 मीटर, जैसे ही हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट देखने को मिलता है। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, जो एक एरिया, क्योंकि यहाँ पर ये कोई बॉर्डर जमीन तो है नहीं कि यहाँ पर एक निश्चित एक लाइन होगा जिसके नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, तो यहाँ पर होता यह है कि पूरा एक रीजन होता है, एक जोन होता है, काफ़ी लंबा क्षेत्र, काफ़ी एक विस्तृत क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को एक ट्रोपोपॉज बोलते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के, यानी कि हर दो जो इसका जो अलग अलग जो भाग है एटमॉस्फेयर के, उसके में एक संक्रमण से ट्रांजिशन एरिया होता है, जिसको यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच को ट्रोपोपॉज बोलते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस एट इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कॉन्स्टेंट, हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। ये जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए इसको इन क्षेत्रों में इसलिए इसको ट्रोपोपॉज बोला जाता है। अब एक चीज गौर करने वाली है कि आप देख सकते हैं जो कि -80 डिग्री सेल्सियस से कहाँ, इक्वेटर पर, इक्वेटर का उसके आसपास, जबकि 45 डिग्री, -45 डिग्री सेल्सियस है पोल्स पर। ये कैसे हो गया, ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि वायुमंडल जो है इक्वेटर पर ज़्यादा विकसित है, तो NLR के अनुसार नॉर्मल लैप्स रेट जो है, तो ये हर 100 एक इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि इसको आगे हम लोग काफ़ी इसका एक इसको यूज़ किया जाएगा, नॉर्मल लैप्स रेट NLR हर 165 डिग्री पर, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट हो रहा है, इसके कारण ये जो है यहाँ पर जो ट्रोपोपॉज यानी कि ट्रोपोपॉज के पास, यानी क्या जो इक्वेटर के पास होगा, ट्रोपोस्फेयर का ऊपरी स्तर पर -80 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर -45 डिग्री तक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र इसका विस्तार ही कम है, जिसके कारण तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं देखेगी, जबकि यहाँ पर जो है विस्तार बहुत ज़्यादा है, ये दोगुने से भी ज़्यादा है इसका विस्तार है इस जगह पर, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ये देखी जाती है। यहाँ पर देख सकते 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है यहाँ पर पोल पर, और 18 किलोमीटर हमारा ये इक्वेटर पर, इसलिए ये अंतर देखा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ठीक इसके ऊपर पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 18 से या समझिए 20 मान के चलिए 20 से 50 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि तो टेम्परेचर रिमेंस ऑलमोस्ट सेम इन दिस लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसका जो निचला क्षेत्र है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो जो है लगभग एक समान रहता है, इसमें बदलाव नहीं देखा जाता, सेम लेयर विद द इंक्रीज इन द हाइट।
टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस, लेकिन यहाँ होता है कि ऊपरी इलाके में जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसका कारण क्या है, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ओजोन गैस भी है, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, जैसे अभी हम लोग बात कर चुके हैं नीचे कार्बन डाइऑक्साइड में, ओजोन गैस भी ग्रीन हाउस गैसेस के श्रेणी में आता है, जिसके ये भी जो भी हीट है उसको वो नीचे से जो थोड़ा बहुत जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है उसको वो पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण इस इलाके का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ओजोन लेयर का कारण यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वेदर रिलेटेड इंसिडेंट्स डू नॉट टेक प्लेस इन दिस लेयर, इस लेयर में जो है कोई भी वेदर रिलेटेड घटनाएं नहीं होती वेदर सीजन, और यहाँ का जो हवाएं हैं बिल्कुल हॉरिजेंटली और बढ़ती हैं और बिल्कुल स्थिर होती है, यहाँ हवा यहाँ के जो वायुमंडल में यहाँ के वायु दशाओं में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं जा होता, जिसके कारण ये हवाई जहाज़ों के वायुयान के उड़ान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसका जो अपर लिमिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉन एज स्ट्रेटोपॉज। तो फिर वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर दैट कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन गैस, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्योंकि ये एक ओजोन गैस जो है ओजोन लेयर यहाँ पाया जाता है, ओजोन मंडल जिसको बोलते हैं, इसकी जो मोटाई नापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट्स में नापी जाती है, इट इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पोर्शन में पाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये, यहाँ पर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ओ थ्री यानी ओजोन का। इट इज द रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर दैट ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि जो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसका सबसे अधिक बड़ी मात्रा में अवशोषण हो जाता है, जैसे मैं हम लोग पहले का ये ओजोन लेयर है और यहाँ से जो वो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा आके रिफ्लेक्ट हो जाती है, भारी मात्रा लगभग सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, बहुत कम मात्रा में ही पृथ्वी पर पहुंचती है, और ये जो ये है वो बहुत सारे अलग अलग तरह की स्किन डिजीज के लिए का कारण है, मैं भी इसका थोड़ा भुक्तभोगी हूँ, मैं भी मुझे भी कभी कभार इफेक्ट हो जाता है, जैसे सनबर्न जैसी चीज़ें हो जाती हैं मुझे इसी स्किन से रिलेटेड, ये चीज़ें ओजोन की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उसकी वजह से होता है, कुछ कुछ मात्रा में पृथ्वी तक ये पहुंचती है। नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर जो है वो तीसरा लेयर है, तीसरा लेयर द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर स्प्रेडिंग ओवर द स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं, इसका जो फैलाव है वो हाईएस्ट है 80 किलोमीटर तक, इन दिस लेयर टेम्परेचर स्टार्ट्स टू डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे ही ऊंचाई बढ़ता है यहाँ पर तापमान घटने लगता है, और ये तापमान इसमें -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ गिरावट देखिए, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री तक ना देखा गया है, जो मेट्योर्स होते हैं और फॉलिंग जो शूटिंग स्टार्स यानी कि उल्का पिंड या फिर जो पुच्छल तारा है इसी क्षेत्र में जलते हैं, यार यहीं इसी क्षेत्र में वो देखा, उनकी जो क्रियाएं होती यही होती है। द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज नॉन मेसोपॉज, यहाँ इस क्षेत्र को मेसोपॉज बोलते हैं, इसका जो अपर लिमिट है उसको मेसोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग है थर्मोस्फेयर यानी कि इसको तापमंडल भी कहते हैं इसको, या फिर आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ की जो गैसें हैं वो आयोनाइज्ड होती है। दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। मेसोपॉज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पृथ्वी से पाया जाता है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नॉन एज आयोन्स, यहाँ का जो गैस है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। इट इज नॉन एज द आयोन, सो इसलिए इसको आयोनोस्फेयर कहा जाता है। रेडियो वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है इसी लेयर के कारण, इसी थर्मोस्फेयर की उपस्थिति के कारण ये संभव हो पाता है। रेडियो वेव्स के जो रेडियो सिग्नल्स हैं, पृथ्वी से जो रेडियो सिग्नल छोड़ा जाता है वो इससे टकरा कर फिर वापस आ जाते हैं, जो कि मॉड्यूलेशन एंड डीमोड्यूलेशन का जो थ्योरी फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा वो एक उसके द्वारा मोडेम जिसको बोलते हैं, यहाँ से एक हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी का एक साउंड वेव हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव छोड़ा जाता है, रेडियो वेव छोड़ा जाता है, और वही वेव वहाँ से टकरा कर वापस आता है और उसका रिसीवर जो होता है उसको रिसीव करता है, और उसको हम लोग अलग अलग तरह में अलग अलग डिवाइस से उसको रिसीव कर उस मैसेज को हम लोग डिकोड करते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, मोबाइल फ़ोन हो, अलग या सेटेलाइट वगैरह फ़ोन हो, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। जनरली रडार्स वगैरह में भी, सुरक्षा उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द हाइट्स, यहाँ से क्या होता है तापमान में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है यहाँ पर थर्मोस्फेयर में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। और फिर हमारा लास्ट
एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो ये जो है ये ऑलमोस्ट अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमोस्फेयर का। गैसेस आर स्पेयर इन दिस स्फेयर, यहाँ पर जो बहुत ही कम मात्रा में गैसेस पाई जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये क्षेत्र है जहाँ से हमारे इन क्षेत्रों में सैटेलाइट्स वगैरह भी यहाँ पर इसमें कुछ उपस्थित होते हैं, हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। यहाँ पर जो एयर डेंसिटी है, देयरफॉर एयर डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, जबकि यहाँ का टेम्परेचर जो है ये 1600 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है, तो इसलिए यहाँ का तापमान जो है कई बार 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर वायु का जो गैसों की सघनता है बिल्कुल कम है, बहुत ही डेंसिटी बहुत कम है, जिसके कारण उसे महसूस नहीं किया जा सकता, एक एक कण वो बहुत कम होता है। तो चलिए अब ये था हमारा आज तक का एपिसोड। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, एग्जोस्फेयर, उसके बाद है उसके नीचे आएगा थर्मोस्फेयर, उसके नीचे होगा मेसोस्फेयर और उसके नीचे होगा स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर लास्ट यानी कि पहला जो सबसे नीचे होगा, सॉरी यानी कि ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे होगा ट्रोपोस्फेयर, सॉरी हाँ सही है ट्रोपोस्फेयर। तो ये है हमारा एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसका एक टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया हुआ है, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता जाता है, उसके बाद ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर स्थिर रहता है, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बढ़ता है, फिर मेसोपॉज जो है यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है और फिर ये तापमान गिरने लगता है, फिर थर्मोस्फेयर में पहुंचने के बाद ये तापमान काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है और ये बढ़ता ही जाता है। तो चलिए तो ये तो था हमारा ये इसका, आप देख सकते हैं ये शटल वगैरह जो है 400 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर रहते हैं, एग्जोस्फेयर में ही पाए जाते होते हैं, ये हमारे जो एग्जोस्फेयर है वायुमंडल का जो बहुत आखिरी सीमा है। और जो ऑरा जो है ऑरोरा लाइट्स है, जो कि ध्रुव ज्योति जिसको बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव ज्योति और उत्तरी ध्रुव ज्योति, जिसको नॉर्वे में या फिर न्यूजीलैंड में देखा जाता है, ये इसको ध्रुव ज्योति बोलते हैं। ये इसको हम लोग कहाँ पाया जाता है, थर्मोस्फेयर में पाया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड और सनलाइट के प्रभाव में ये देखा जाता है। तो इसके बारे में भी चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, जब उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के क्लाइमेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑरा की बात भी की जाएगी। तो फिर तो चलिए हमारे अब जो हमारा चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके टैग कीजिए दोस्तों को, जितना जल्दी हो सके प्रमोट कीजिए ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो और हमारा मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है, फिलहाल तो हमारा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मोनेटाइजेशन हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो। और इसके ये आप लोगों के बिना, आप सभी दोस्तों के बिना, ये सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो चलिए तो ये है हमारा लोगो, संघर्ष द स्ट्रगल, क्योंकि हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षशील हैं और ये हम उम्मीद करते हैं हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी हमें कामयाबी नहीं मिल जाती। बहुत सारे कुछ भी हो सकता है, किसी हमारा जो भी है उसमें हम जब तक हम कामयाब नहीं होते हमारा संघर्ष चलता रहेगा, और इसलिए हमारे अपने चैनल का नाम संघर्ष द स्ट्रगल रखा है, और ये संघर्षों का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे।